Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in Note. This video is D Pharma second year student का है जो कि आज हम लोग discuss करेंगे D Pharma second year में एक subject है pharmaceutical jurisprudence. उसका question paper देखेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ दिख रहा है ठीक है. तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ईयर के लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं. हिंदी में हो या इंग्लिश में दोनों को सबको दिखाएंगे. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमें सपोर्ट करना. जब आप दीदी को सपोर्ट करोगे तभी दीदी आपकी हेल्प कर पाएंगे ठीक है. चलिए समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या है. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस. यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए देखिए सब कुछ दिया रहता है. आगे मेन इसमें इंग्लिश का होता है और फिर पीछे ये देखिए जहाँ सा कि आप देख रहे हैं हिंदी में है ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है, ये इसका पीछे का पेज रहता है ठीक है. इंग्लिश में आगे का इसका रियल पेज होता है. देखिए यहाँ पे टाइमिंग 3 आवर्स की दी गई है और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स इसके दिए गए हैं 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है ठीक है. और यहाँ पे ये सब एडवाइस लिखी गई है, आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करना है और ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ठीक है. जहाँ पे जैसा लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट नंबर में देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है. इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देखें और फिर मैं बाद में जैसा कि यहाँ पे हिंदी वाला पूरा पेज दिख रहा है उसको भी दिखा दूँगी, लेकिन इसलिए दिखा रही हूँ ऐसे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है. देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो यहाँ पे देख लें, पहले उनकी स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ थोड़ी सी जिससे कि कायदे से. देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी टू, किसी दो आंसर को इसमें से करना है. तो ये टॉपिक एक ही है, इस एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं ठीक है. तो ये टॉपिक मैं आप सबको समझाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ड्रग टेक्निकल फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सेकेंड वन देखिए यहाँ पे पूछा गया और थर्ड नंबर ठीक है. और वैसे ही देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट स्क्रीन पे देख लें, औषधि तकनीक सलाह परिषद PCI का गठन कब हुआ और केंद्रीय रजिस्ट्रेशन, मतलब देखिए यहाँ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन लिखा गया है ठीक है. और इनके नंबर देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं. ये पहले का पेपर है तो नंबर से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ. ये रहा नंबर, 8 2 क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, तो 8 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा. और वैसे ही 2 क्वेश्चन करने हैं, 8 × 2 16 ठीक है. तो 16 नंबर मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से अगर हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से ठीक है. अब आइए सेकंड नंबर देखते हैं. सेकंड नंबर में क्या लिखा गया है, राइट डाउन द कंसल्टेटिव ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल्स, एनी 4 शेड्यूल्स के बारे में इनमें बताना है आपको. शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड एम. तो ये कितने क्वेश्चन नंबर्स का है ये भी देख लेते हैं. यहाँ पे ये 16 नंबर का है, मतलब 4 × 4 4 करना है हम लोग को. तो अगर 1 क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो 4 नंबर मिलेंगे ठीक है. हिंदी वाले स्टूडेंट को नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ. हाँ अब दिख रहा होगा शायद, देखिए अब दिख रहा है आपको भी ठीक. तो ये हो गया किसी 4 शेड्यूल के बारे में लिखना है. और अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. एनी 2 क्वेश्चन करने हैं, इनमें भी 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है ठीक है. 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी इधर उधर स्क्रीन से देखने में गड़बड़ हो जाता है. 2 क्वेश्चन करना है कोई. डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं DI, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में लिखना है. और सेकंड नंबर में देखिए जो मैजिक रेमेडी होती है 4 एक्ट के बारे में लिखना है. हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें. नेक्स्ट देखिए होलसेल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में. और यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है दवाओं के थोक व्यापार पर टिप्पणी लिखिए ठीक है. और अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस रहती हैं हमारे बोर्ड की तरफ से जो कि सेम वैसे ही हमें लिखने रहते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना रहता है कि कुछ लाइन ऊपर कर दें. कि डेफिनेशन को लिखना है, ये 4 नंबर की 1 डेफिनेशन रहेगी ठीक है. और यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग को दिख रहा होगा. और ये 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो
मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है, एक्साइज ड्यूटीज़ जो लगती हैं, 1955 एक्ट है उसके बारे में लिखना है, मैजिक रेमेडी 1954 के बारे में लिखना है, और पॉइजन एक्ट 1990 क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, और इस वीडियो को बनाने में बहुत दिक्कत आ रही, बार बार हमारे फ़ोन की लाइट बंद हो जा रही थी, ठीक है, और एडिटिंग करने में फ़ोन हैंग कर ही जाता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मुझे सपोर्ट करिए कि हम अच्छे से दूसरा फ़ोन ले सके, अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है फ़ोन की, ठीक है। अब आइए कि मैं आपको पूरा ये पेज दिखा देती हूँ क्लियर से, ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ये हो गया हिंदी का पेज पूरा, ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और वैसे मैं एक एक कॉलम से क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कराऊंगी, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आइए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है उसको देख लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे पूछा जाता है। तो ये आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं जो स्क्रीन शॉट ले लें फटाक से, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे अभी कि मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।